Social stratification by Talcott Parson. Social stratification occupies almost peripheral elements in Parson's scheme of social order. Because his understanding regarding the social stratification in modern societies has become as complex as it, is, it has lost its significance as a whole. आजकल के जो जदीद माशरे हैं इनके अंदर सोशल स्ट्रेटिफिकेसन या क्लास सिस्टम को अगर कोई भी अप्लाई करना चाहे तो ज़ाहिर है उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं सेम इज़ केस विद टैलकोट पास क्योंकि स्ट्रेटिफिकेसन या क्लास सिस्टम नॉर्मली किन बेसिस पर होती है नॉर्मली इनकम की बेस पर होती है नॉर्मली प्रस्टीज की बेस पर होती है स्टेटस की बेस पर होती है या उसके अलावा कास्ट सिस्टम है मज़ब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है लेकिन हम देखते हैं कि ये चीज़ें आपस में इस तरीके से मिक्स होती हैं कि इनको लहदा लहदा डिफ्रेंश करना क्योंकि अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो कहा जाता है कि उसके पास पावर भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी कैसे आएगी क्योंकि ज़्यादा पैसे वाला इन्फ्लुएंस कर सकता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को तो सेम सिचुएशन जो है वो टैलकोट पार्सन ने जब अपनी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की जो फिलॉसफी है जो अपना कॉन्ट्रीब्यूट किया अपने व्यूज़ को तो वहाँ भी हमें ये लगता है कि वहाँ भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं बिकॉज ही एज्यूम्स डेट इन मॉडर्न सोसाइटीज स्ट्रेटिफिकेसन इज था इन टर्म्स ऑफ द सिम्बोलिक मीडिया थ्रू विच इट वर्कस दोज ऑफ प्रेस्टीज एंड इन्फ्लुएंस एंड ऑफ द फंक्शन इट फुलफिल्स दैट ऑफ इंटेग्रेशन ट uh, पार्सन की फ़िलासफी क्या है कि वो लोग जिनके पास इनका रोल जो है ज़्यादा प्रेस्टिजियस है और दोज हु कैन इन्फ्लुएंस द होल प्रोसीजर और प्रोसेस दे, दे मे बी कंसिडर्ड मोस्ट ऑनर्ड क्लास अब अगर ये ये सारी चीज़ें ये सारी डिबेट हम देखते हैं तो हम तक इसका सोर्स क्या है कम्युनिकेशन का आम तौर पर मीडिया के थ्रू ही हमें पता चलता है कि कौन ज़्यादा इन्फ्लुनशियल है कौन ज़्यादा प्रेस्टिजियस है तो अब ये अगर ऐसी सूरत हाल पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इस सूरत हाल को हम फिर डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि जो प्रेस्टिजियस हैं लोग जो इन द रियल सेंस जो ज़्यादा इन्फ्लुनशियल हैं वो कौन है और वो किस वजह से हैं बिकॉज इट रिप्रजेंट्स द रैंकिंग ऑफ इंडिविजुअल एंड फैमिलीज ऑन अ स्केल ऑफ प्रेस्टिज दोज हुपाई रोल्स ऑफ ग्रेटर इम्पॉर्टेंस एंड ऑल्सो होल्ड द हायर रैंक्स अब जो लोग ज़्यादा प्रेस्टिजियस हैं क्योंकि उनका रोल ज़्यादा है इस वजह से वो प्रस्टिजियस हैं तो वो उनकी क्लास जो है वो अलहदा हो गई वो मुआरे में इंपॉर्टेंट कंसिडर होंगे अब जो प्रेस्टिजियस है वाई दे आर कंसिडर प्रेसटीजियस क्या उनकी जिम्मेदारी ने अपने प्रस्टिजियस बना दिया है क्या उनके पास जो प्रिवलेज हैं उनका जो स्टेटस है उसने उनको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेटस दे दिया है तो आज कल के दौर के अंदर ये ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हर माशरे के अंदर हैं और बहुत सारे सवाल जो हैं वो अन आंसर्ड हैं बिकॉज मोर ओवर सोशल इम्पोटेंस कन्वेज टू A sense that some individuals and groups occupy roles that are crucial to the survival of society, and those other occupying groups are compatible with the general societal values. Ab ye clear cut two dimensions, hai, uh, which were uh, mainly discussed by Talcott Parson, one dimension is that the people those have the crucial roles.

तो ये अगेन एक ऐसी डिबेट है जो हमें आजकल की मॉडर्न सोसाइटीज़ में हर जगह पर ही मिलती हैं सो द डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेस्टीज एंड इन्फ्लुएंस दो विच इट ऑपरेट्स इन एबल पोजिशन ऑफ ग्रेटेस्ट सोशल इंपॉर्टेंस टू मोबिलाईज द रिसोर्स नेसेसरी टू देयर ऑपरेशन एंड हेंस टू द सोसाइटी अब यहाँ ये देखना है कि जिन पर सर्वाइवल डिपेंडेंट हैं क्या उनके रिसोर्सिस ज़्यादा हैं क्या मशरे का वो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं जिन्होंने रिसोर्स को ऑकुपाई किया हुआ है इस वजह से सोसाइटी का सर्वाइवल उन पर डिपेंडेंट है या हमें यह देखना है दैट स्ट्रेटिफिकेशन इज बेसिकली ऑफ इंटेग्रेटिव नेचर विच ट्राइज टू इंटेग्रेट द सोसाइटी बाय डिपेंडिंग द इनहविटेबल डिस एंड एन बाय कॉलिंग अपॉन द कमिटमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल सोसाइटी एज अ होल दूसरी तरफ हमें यह भी देखना है कि जो स्ट्रेटिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है जो पार्सन ने दिया है वो ये है कि ये इंटेग्रेटिव नेचर है क्योंकि अगर माशरे के अंदर मुख्तलिफ क्लासेज होंगी और वो आपस में इंटेग्रेट करेंगी तो ही माशरा आगे बढ़ेगा क्योंकि हर कोई हर काम नहीं कर सकता अगर कुछ लोगों के पास रिसोर्सेस ज़्यादा हैं तो वो लोग जो वर्किंग क्लास हैं वो उनके साथ मिलकर काम करेंगे तो दोनों के लिए फ़ायदा मंद है ऐसे ही अगर किसी का रोल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी दूसरे बंदे का स्टेटस ज़्यादा इम्पॉटेंट है तो इन सब के कॉम्बिनेशन से जो मुआरा वजूद में आता है बेसिकली ये कॉम्बिनेशन मुआरों की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है तो अगर स्टेटिफिकेसन को नेगेटिवली देखा जाएगा तो वो हर्डल बन जाएगी लेकिन अगर स्ट्रेटिफिकेशन को इंटेग्रेटिव परस्पेक्टिव से देखा जाएगा तो वो माशरों की ग्रोथ के लिए माशरे की बेटरमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट के तौर पर काम करती हुई नजर आएगी